नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मैं हूं पवन नौटियाल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड यानी हिमालयी राज्य की एक महाआपदा की। इसको हम अगर महाआपदा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, उत्तराखंड में एक बार फिर वनों की आग इस कदर विकराल रूप ले चुकी है कि अब अपनी संपदा को बचाने के लिए शासन प्रशासन के पास भी विकल्प कम है। एक तरफ मौसम की अगर बात करें तो मौसम भी जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और अगर हम थोड़ा सा आंकड़ों की बात करें तो इससे स्थिति काफी साफ हो जाएगी कि इस समय स्थिति उत्तराखंड की दरअसल है क्या। भारतीय जो वन सर्वेक्षण विभाग है उसके डैशबोर्ड के हिसाब से 20 अप्रैल तक देश में 180 जो बड़ी घटनाएं दर्ज की गई है उसमें से 107 उत्तराखंड की। इस अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में इस समय क्या भयावह की स्थिति वनों में है। और अगर उत्तराखंड वन विभाग की बात करें तो उस हिसाब से 20 अप्रैल तक 739 घटनाएं दर्ज हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने में एक रिकॉर्ड लगातार बनता जा रहा है। और अगर वन विभाग की आंकड़ों की अगर एक और तस्वीर हम देखें तो उनका अनुमान है कि 10.4514 हेक्टेयर ही अब तक जो वन है वो जल चुका है और इससे 29.67 लाख रुपए का नुकसान आंका जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है। इस पूरे मुद्दे पर कि जो ये महाआपदा हर साल आती है लेकिन इस बार जो स्थिति भयावह है, हमारे साथ एक खास शख्सियत उत्तराखंड के पद्मश्री हैं, पर्यावरणविद आप हैं हमारे साथ, कल्याण सिंह रावत जी जुड़े हुए हैं सीधे, जो कि चमोली में इस वक्त मौजूद है। और वो भी ऐसी जगह पर है जहां पर आप तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे कि पीछे भले ही हरे भरे जंगल नजर आ रहे होंगे लेकिन उनके आसपास का क्षेत्र भी उसी माहौल में है। हमारे साथ कल्याण सिंह रावत मेती जी इस वक्त मौजूद है, उनसे सीधे बात करते हैं। रावत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। सवाल धन्यवाद धन्यवाद। यही है, हर साल जो है सिस्टम कहीं ना कहीं इस आपदा के पीछे कहीं ना कहीं जो है एक हाथ खड़े से कर देता है, तो आपको क्या लगता है आखिर हर साल ऐसा क्यों होता है? जंगलों पे जो आग लग रही है इस समय वो एक काफी चिंता का विषय है उत्तराखंड के लिए। और ये आग केवल प्राकृतिक आग नहीं है, बल्कि इसमें अगर हम कहें कि मानव जनित भी इसमें सारे जो दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा भी कुछ जानबूझकर कई जगहों पर आग लगाई, विशेषकर हमारे पहाड़ में जो आग लगने के कारण है वो चीड़ वन है। और ये जो चीड़ वन है ये हमारे लिए बड़े घातक साबित हो रहे हैं। अंग्रेज इस चीड़ को यहाँ लाए थे अपनी आर्थिकी को बनाने के लिए, ताकि वो लीसा निकालें, उनसे बिरोजा बनाएं और उसको बेच करके अपनी आर्थिकी को मजबूत करें। लेकिन उनके जाने के बाद ये जो जंगल धीरे धीरे पहाड़ में बढ़ते गए और आज उनका जो प्रतिशत है वो 27% से ऊपर हो गया है। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जी चीड़ की पत्तियां मार्च अप्रैल में गिरनी शुरू हो जाती हैं और इसी दौरान गर्मी भी पड़ती है, सारी पत्तियां जमीन में एक बिछौना लग जाता है और इसकी सूखी पत्तियां बहुत तेजी से आग पकड़ती हैं। और इस आग के कारण जंगलों पे जो आज बहुत बड़ी आग लगी है ये सबसे बड़ा कारण है। और ये है कि इन्हीं चीड़ों चीड़ जो बांध के परंपरागत जंगल थे उनमें भी लेना शुरू कर दिया है। हमारे सारे बांध के जंगलों के अंदर भी चीड़ पनप गया है, उसकी पत्तियां उन्हीं बांध के जंगलों में गिर रही हैं और वहां भी आग लगने के पूरे अवसर बने हुए हैं। और जब उन जंगलों पर भी आग लगती है तो वहां जो बांज के छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं, उनके जो छोटी छोटी पौध होती हैं, इन जंगलों में जो बायोडाइवर्सिटी होती है, ये सारे की सारी आग की भेंट चढ़ जाती है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक खतरा बना हुआ है पूरे उत्तराखंड के लिए। तो लेकिन रावत जी, ये हमें इस बार ये हमें पहली बार चाहिए कि नहीं अगर है। हम इन उत्तराखंड में जी इन जंगलों को बचाना चाहते हैं, आग की विभीषिका को कम करना चाहते हैं, तो जी हमें सबसे पहले चीड़ वनों की तरफ देखना होगा, उनके प्रबंधन के बाद सोचनी होगी,
सरकार को उसके लिए कुछ नए नियम बनाने होंगे, निर्देश देने होंगे, ताकि हम इन चीड़ के बने को विस्तार को रोक सकें। नहीं तो हम अपने परंपरागत वनों को भी खो देंगे, और परंपरागत वनों का खोने का मतलब होता है हमारे पानी के स्रोत सारे खत्म, सारे सूख गए हैं। और उनका कारण यही है कि चीड़ वनों जो विस्तार हुआ और बांध के जंगल जो धीरे धीरे समाप्त होने के खत्म हो गए हैं। अब आग हाँ है, ये आग जो जंगलों पे लग रही है इसका सबसे बड़ा खामियाजा हमारे जैव विविधता यानी जो जीव जंतु हैं ये भुगत रहे हैं। हजारों प्रकार के जो लेकिन हमारे जीव हैं रावत छोटे जी, छोटे आप हाँ इतने सालों से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, सवाल यह है कि इतनी सरकारें आई, वन विभाग जो है हमेशा मुस्तैद होने की बात करता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाने की बात करते हैं, लेकिन हर बार वही स्थिति हो जाती है। सिस्टम ऐसे ही क्यों पॉलिसी नहीं बना रहा है कि इन चीजों को पहले से ही कहीं ना कहीं हम तैयारी करके रखें या इन चीजों से निपटने की बात करें? हाँ इसके लिए तो सोचा जाना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए। हमारे केवल जो सड़कों जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े विशेषज्ञों के जो मीटिंग्स होती हैं, जो हमारे योजनाकार हैं उनकी जो योजनाएं जो बनती हैं, इनमें कहीं भी इन चीजों का जिक्र नहीं होता है। वो लोगों ने कभी आग की विभीषिका तो कभी देखी नहीं है कि आग होती क्या है। चीड़ के जंगल की आग को बुझाने के लिए सामान्य आदमी की बात बस की नहीं होती है। आप आपके जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उन पास अच्छे साधन हैं नहीं, आप अत्याधुनिक साधन नहीं है, तो वो कैसे इन चीड़ के जो क्राउन फायर है इसको कैसे कवर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए जब तक जन सहभागिता नहीं होगी तब तक ये आग बुझ नहीं सकती है। और जन सहभागिता के लिए वन विभाग और हमारी सरकार क्यों अपने हाथों को पीछे खींच रही है ये समझ से परे है, क्योंकि लाभ को भी हम साथ उन पर भी मनन करेंगे तो तभी तो जनता हमारे साथ जुड़ेगी, हमारे वन बचे रहेंगे, हमारे वनों के प्रयास भी जो है सार्थक होंगे। ये जी सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात यह है कि जो ये चीड़ है इसका प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। आज तक 1980 का जो वन अधिनियम है वो अभी तक 10 साल के लिए बनाया गया था, आज 2022 हो गया है, आज तक भी वो अधिनियम चल रहा है। और सारे हमारे जो जंगल है विकृत हो चुके हैं, चीड़ के जंगलों में छोटी पौध बड़ी पौध बड़े बड़े बूढ़े पेड़ सारे खड़े हो चुके हैं, उनका प्रबंधन ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर जब प्रबंधन नहीं होगा तो ये सारे जो जंगल है ये हमारे उपयोग के नहीं होंगे। तो असल जंगल अच्छे वो तब होंगे जो उनका प्रबंधन होगा, एक ही आयु का वर्ग के पेड़ हमारे उस जंगल में होंगे उनका हम प्रबंधन करेंगे। अगर लीसा का व्यापार करना है तो जो एकल है जो चीड़ के उन पे हम लीसा निकालें, हमारा रोजगार भी मिलेगा। टिपान है, छपान है, ढुलान है, इन पर हमारे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा। लीसा मिलेगा तो हमारे छोटे उद्योग चलेंगे, हमारे सरकार के आय के साधन बड़े होंगे। तो जंगल तो यहाँ जाकर के हमारे सुंदर वन होंगे, सुंदर वन होंगे तो हमारे पास पानी के भंडार होंगे, सब कुछ होगा, प्राकृतिक छटा होगी, सब कुछ होगी। लेकिन केवल एक प्रकार से प्रतिबंध लगा करके जंगलों को रोक देना और हम कहेंगे कि हम जंगल हमने आप बचा लिए, ये न मालूम हमारे जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जो हमारे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं वो क्या सोचते हैं। मेरा तो मानना है कि इन तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, हमें इस चीड़ को जो प्रतिबंध है उससे मुक्त कर देना चाहिए, और चीड़ की लकड़ी को लेकर के गांव वाले जिन पर मकान नहीं बन पा रहे लेकिन हैं और रावत उनके जी कुछ नहीं है सवाल यह उनको है दिए कि जाए, आप तो वो अपना जैसे काम करेंगे, अपने अनुभवी अच्छे लोग मकान जो बनाएंगे। पर्यावरण के लिए उत्तराखंड में काम करते हैं, जिनको इतने बड़े सम्मान से भारत सरकार ने भी नवाजा है, आप जैसे लोगों के जो विचार है, जो सुझाव है, वो सरकार तक नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार के जो हुक्मरान है, सरकार के जो लोग जो बैठे हुए हैं वहां पर, वो हमारी जो प्राकृतिक संपदा है इसको नहीं बचा पा रहे हैं। हम आय के सोर्स तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपनी संपदा है उसको हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक ऐसी स्थिति है, और आप जैसे लोग जो इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाते हैं, क्या एक बार फिर वो समय आ गया है कि हम एक ऐसा आंदोलन चलाएं जो आग से लगातार हमें नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए हम सबको पर्यावरणविद या तमाम जो लोग समाज सेवी उनको आगे आना चाहिए, या इस तरह के आंदोलन अब चलाने पड़ेंगे? रावत जी, बिल्कुल आपने सही कहा नोटियाल जी, और आपका प्रश्न दुरुस्त है, मैं भी इससे बड़ा अचंभित हूँ। चाहे मैं तो पर्यावरणविद नहीं हूँ लेकिन इतना जरूर है कि मैं
एक वनस्पति विज्ञान का छात्र रहा हूँ, एक अध्यापक रहा हूँ, और जीव विज्ञान के बारे में मैं ज्यादातर जानता भी हूँ, और पूरे हिमालय के सारे जंगल सारे क्षेत्रों का मैंने पदयात्रा किया, मुझे सब का अनुभव है। लेकिन आज तक हमारे इस विभाग ने, शिक्षा विभाग तो छोड़िए, लेकिन वन विभाग की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि सरकार जो वनों के प्रति उत्तरदायी है, उन्होंने कभी हमें इस बारे में कभी मौका दिया कि हम अपनी बात उन तक रखें? क्या जी उन्होंने कभी हमारे बारे में कभी ये सोचा कि इन लोगों को भी बुला करके कभी चर्चा की जाए? तो आप कैसे कहेंगे? हम तो अपना आंदोलन को चला रहे हैं, अपने स्तर से चला रहे हैं, हमारे पास कोई बजट नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो अपने पैसे से जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ये मानती है कि हम कुछ अपने देश के लिए, अपने वनों के लिए भी हम कुछ एक छोटा सा सहयोग कर रहे हैं, तो उन्हें हमारी बात भी तो सुननी चाहिए। आज तक तो कभी ना वन विभाग तो हमको जानता ही नहीं कि हम कौन है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे और भी पर्यावरणविद हैं, वो अपने अपनी तरफ से सब काम कर रहे हैं, कभी एक साथ हम मिल बैठ करके हमने चर्चा ही नहीं की। कभी वन विभाग ने इन सब सब लोगों को बुला बुला करके कोई रास्ता ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं किया, तो समाधान कहाँ से निकलेगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये इस तरफ तो ध्यान दिया जाना चाहिए ना बिल्कुल, और मैं देख पा रहा हूं कि आप जी। जहां पर, जिस पहाड़ में आप मौजूद है, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र में आप मौजूद है, वहां भी पीछे अगर नजर हम दौड़ाते हैं तो वहां भी जो है कहीं ना कहीं वो धुंधलापन नजर आ रहा है। जबकि पहाड़ में पहले जहां जहां तक नजर जाती थी, सुंदरता, नैसर्गिक सुंदरता नजर आती थी। आपके आसपास जो पेड़ दिख रहे हैं सिर्फ वो हरे भरे हैं, और पीछे अगर हम नजर डालें, हम आपकी तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, आपने अभी भी इससे पहले भी वैसे ये बताया था कि क्या स्थिति इस वक्त पहाड़ की है। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जहां पहुंचे हुए हैं वहां क्या स्थिति है, आपके जहां आप पहुंचे हुए हैं वहां पर क्या आपने सही स्थिति है। कहा नोटियाल जी। बात यह है कि अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं चारों तरफ आपको दिखा, हाँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं वहां से आपको दिखाता हूँ चारों तरफ, आप जी कुछ भी नहीं देख पाएंगे। केवल जी चारों तरफ धुएं का एक परत बनी हुई है, जी और उसमें भी सूरज की धुंधली धूप जो है जमीन तक आ रही है। मेरे जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ से हिमालय का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है, लेकिन आज यहाँ पर आप एक पहाड़ी के बाद वो कुछ नहीं देख सकते हैं। चारों जी तरफ जंगलों में आग लगी है, और ये धुंध, इनसे आंखों में आंसू आ रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है, जंगल जल रहे हैं और हम तमाशा देख रहे हैं। ये हमारी संपदा नष्ट हो रही है, बिल्कुल, बायोडायवर्सिटी खत्म ये हो रही बड़ी है। बात हम आपने उस तरह कही है कि जंगल कोई भी जल रहे प्रयास हैं, करने हमारी के संपदाएं जल रही हैं और कोई हम सफल तमाशा देख रहे प्रयोग हैं। नहीं हो पा रहे शायद हैं। यही तो कारण है कि ये हमारे वन हम मंत्री एक और वन तरफ तो विभाग हम के आप प्रमुख अधिकारी जो है ऐसे समय में भी जो है कहीं ना कहीं गायब नजर आते हैं, और ये एक बड़ी विडंबना है। उत्तराखंड की इतनी हजारों करोड़ों या जिसकी कोई संपदा की कोई अभी तक हम आकलन भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी हमारे पास ये संपदा है, प्रकृति की देन थी, लेकिन हम उसे लगातार खोते जा रहे हैं। कल्याण सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आपने इतना अमूल्य समय, और ऐसी परिस्थितियों में भी जब आप पहाड़ के ऐसी जगह पर पहुंचे हुए जहां पर नेटवर्क की दिक्कत रहती है, आपने समय निकाला, क्योंकि ये एक ऐसा ऐसी ऐसा एक समय आ चुका है, ऐसा एक विकट समय है, जब आप जैसे लोग जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक सोचने की बात है कि आखिरकार किस तरह के हालात इस समय है, और हमारे जो पहाड़ है, हमारा जो हिमालय है, उसकी जो संपदा है वो हम खुद अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देख रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना उत्तराखंड के लिए है, जिस चीज के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, जिस प्राकृतिक सुंदरता के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, उसके ये हालात हैं। तो आप अंदाजा लगाया जा सकते हैं कि हमारी सरकार, हमारे हुक्मरान कैसे एक एसी कमरों के बीच में रहकर अपने नियम कानून बनाते हैं, और जो सच्चाई है वो ऐसे लोग जो पर्यावरणविद जो काम कर रहे हैं वो उन जगहों पर घूमकर सच्ची जो तस्वीर है वो हम तक लाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार उत्तराखंड कब तक इस तरह जलता रहेगा, और ये आपदा नहीं, ये महाआपदा है, इसे समझना इतना आसान नहीं है कि जिस तरह से हम अपने जंगलों को खो रहे हैं, ये क्या आने वाले किस एक वार में एक कैसा अलार्म ये दे रहे हैं कि आखिरकार आने वाला समय कितना भयानक हो सकता है, उसकी तस्वीर हम देख सकते हैं। कल्याण सिंह राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वन इंडिया हिंदी पर लगातार आपसे और मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। देहरादून से वन इंडिया के लिए पवन नौटियाल। धन्यवाद सर, धन्यवाद।